गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुबह और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन मैं आज आप लोगों के लिए वेट लॉस का बहुत ही अच्छा सा एक वीडियो लेके आई हूँ। मैं इधर 2-3 दिन से आपको पोस्ट कर रही थी चिया सीड्स के बेनिफिट्स, चिया सीड क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, उसके क्या होता है, स्किन ग्लो होती है, वेट काफ़ी अच्छा लॉस होता है। इवन जो लोग फिश नहीं खा पाते हैं या फिर नॉनवेज नहीं खा पाते हैं उनके अंदर कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है, उतने अच्छे विटामिन, उतनी अच्छी जो चीज़ें होती हैं वो नहीं हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो इसीलिए चिया सीड सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जो लोग भी वेजिटेरियन हैं, इवन नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए तो है ही, लेकिन वेजिटेरियन वाले जो हैं उनको सारी चीज़ों की कमी को वो जो है आपकी बॉडी में फिल करता है, आपको एक शाइनिंग फेस देता है, आपका वेट काफ़ी अच्छे से लॉस होता है, फुल ऑफ फाइबर होता है। तो स्पेशली पेट की चर्बी को बहुत तेज़ी से कम करता है, क्योंकि क्या होता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी बैली फैट ही होती है, और जो कि फाइबर से अगर आप 1% उसे लूज़ कर रहे हैं तो अगर आप फाइबर और चिया सीड लेने लगेंगे तो 10-15% वो बहुत तेज़ी से लॉस होगी। और मैं इसे 2-3 साल से ले रही हूँ और हमेशा आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सा चिया सीड ले रही हूँ, कौन सा चिया सीड ले रही हूँ, कौन सा सब्जा सीड ले रही हूँ। तो आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करने आई हूँ कि मैं कौन सा ले रही हूँ, ब्रांड का नाम भी बताऊँगी, ये आपकी मर्जी है आप लें या ना लें, और एक रेसिपी बताऊँगी, एक ड्रिंक बताऊँगी। देखिए कुछ लोग जो है वो ड्रिंक प्रेफर नहीं करते हैं, रेसिपी प्रेफर करते हैं, रेसिपी में खाना, कुछ लोग रेसिपी प्रेफर करते हैं, रेसिपी नहीं प्रेफर करते हैं, ड्रिंक प्रेफर करते हैं। तो दो चीज़ों को इसमें मैंने डिवाइड किया है, अलग अलग वीडियो बनाना वो उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था, इसलिए एक वीडियो में मैंने दोनों चीज़ जो है वो ऐड कर ली हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जिन भी लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और छोटी सी जो घंटी लगी उसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सेकेंड चीज़, मैंने एक न्यू चैनल भी अपना लॉन्च किया है, उसका लिंक जो है अभी आपको ऊपर शो हो जाएगा, उसको क्लिक करिए, देन वहाँ पर जाके उसे सब्सक्राइब करिए, फिर इस वीडियो में आइए, देन इसको पूरा देखिए। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट ऑफ प्रिपरेशन क्या करना है, मॉर्निंग जैसे ही हो सुबह ही सुबह आपको ये चीज़ करके रख देना है, तब पूरे दिन आप इसके लिए रेडी रहोगे, आपका जब भी मन करेगा आप पी सकोगे, खा सकोगे। तो यहाँ से मैं 2 टेबल स्पून जो है वो चिया सीड्स सोक करने के लिए रख दूँगी। तो फर्स्ट को मॉर्निंग में उठते उठते ये कर लीजिए, 15-20 मिनट लगेगा आपको इसे सोक होने में, देन उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, बिकॉज गर्मियाँ हैं तो आप इसे बाहर बिल्कुल भी मत रखिएगा। और इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैं समर्स में कौन सा ड्रिंक लेती हूँ इसके साथ, कौन सी डिश लेती हूँ मैं इसके साथ, और क्योंकि बहुत अच्छा है, मैं इधर 2-3 दिन से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पोस्ट के चिया सीड के फ़ायदे, चिया सीड स्किन के लिए कैसे बेनिफिट करता है, कौन ले सकता है, साथ ही साथ वेट लॉस कैसे करता है। तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए करने के लिए आपको मॉर्निंग से ही इसे सोक करने के लिए रख देना है। तो अभी 15-20 मिनट बाद मैं आपको बताऊँगी किस तरह से मैं ड्रिंक लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो ड्रिंक मैं बनाती हूँ, क्योंकि समर्स हैं तो विंटर्स में तो मैं गर्म पानी में बनाती हूँ, लेकिन समर्स में मैं इसे ठंडे पानी में बनाना प्रेफर करती हूँ। तो इसके लिए अगर आपके पास बड़ा लेमन है तो आप एक लीजिए, मेरे पास छोटे छोटे थे तो इसीलिए मैंने 2 लिया है। समर्स में ये आपको हाइड्रेट रखेगा, वेट लॉस के लिए काफ़ी अच्छा है ये, तो मैं इसे पीना प्रेफर करती हूँ हमेशा गर्मियों में। चिया सीड तो मैं सर्दियों में भी लेती हूँ, लेकिन ठंडे पानी में मैं समर्स में हमेशा लेना प्रेफर करती हूँ इसे। आप चाहें तो इसमें स्वीटनर में एज आ शुगर फ्री डाल सकते हैं, लेकिन एक नया रिसर्च में ये भी आया है कि वो जो स्वीटनर हम यूज़ करते हैं वो भी हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं हार्म करते ही करते हैं, तो इसलिए वो भी मैंने लेना ड्रॉप कर दिया। तो इसके बाद आपको इसमें ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ, ये जेली फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो ये फुल ऑफ फाइबर है और पेट काफ़ी देर तक आपका भरा फील करता है। तो आप इसमें 2 टेबल स्पून अच्छे से डाल के मिक्स करिए, और ये आपका नींबू पानी, और आप पिंच ऑफ सॉल्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं नींबू पानी की जगह, और एक बार बना के ज़रूर पीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। और इसके बाद चलिए दूसरी रेसिपी बताती हूँ। ना ही शुगर है, ना ही मैंगो है, मिल्क है, मैं जस्ट इसे वाटर में ही ऐसे करके हमेशा अपने फ्रिज में रखती हूँ, और जब भी मुझे एज अ स्नैकिंग या कुछ भी ऐसा मीठा खाने का मन होता है तो हमेशा मैं यही खाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये एक नेचुरल शुगर है जो कभी भी आपका वेट गेन नहीं होने देगा,
और उसके बाद मैं इसमें जो है वो अगेन चिया सीड 4 टेबल स्पून ऐड करूँगी, और ये आपका जो है फुल ऑफ फाइबर अगेन एक अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग है तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल भी फैट चढ़ने नहीं देगा और फुल ऑफ फाइबर है, बहुत सारी चीज़ें और हैं तो मैं इसे खाना प्रेफर करती हूँ, ड्रिंक में मैं इसे लेना प्रेफर करती हूँ, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। दो चीज़ें मैंने आपको बताया था। अब बारी आती है, जैसे मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि सुगम आप कौन सा चिया सीड लेना प्रेफर करती हूँ, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, तो मैं इस ब्रांड के चिया सीड यूज़ करती हूँ, लिंक मैं नीचे दे दूँगी, खरीदना ना खरीदना आपके। ओमेगा 3 इसमें है जो कि आपको फिश में मिलता है, और जो लोग भी मछली खाना प्रेफर नहीं करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। रिच इन मैग्नीशियम है, आपके बालों को काफ़ी अच्छा रखेगा। रिच इन कैल्शियम है, जिनको भी कैल्शियम की कमी है और वो पेट साफ ना होने की वजह से, जैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि जब वो कैल्शियम खाते हैं तो उनका पेट क्लीन नहीं होता है और फिर वो कैल्शियम खाना बंद कर देते हैं जैसे, लेकिन ये जो है आप फुल ऑफ फाइबर है तो आप इसको खाएंगे, कैल्शियम की कमी दूर होगी, साथ ही साथ पेट भी क्लीन होगा, और रिच इन फाइबर है जो मैं हाँ मतलब बता ही रही हूँ आपको, और को एनी प्रॉब्लम आप इस पे एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हैं। तो मतलब हर चीज़ में ये है, और न्यू हर्ब्स को मैं हमेशा बताती हूँ कि प्योरिटी की गारंटी है इनके साथ, और अगर आप इसे ख़रीदना चाहोगे तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप विच ब्रांड का चिया सीड यूज़। तो गर्मियों के जिसे मैं बोलती हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स हैं दोनों, एक तो ये मैंगो पल्प जो मेरे बैली फैट को इन दोनों ने रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प की है, बिकॉज़ ये फाइबर हैं और फाइबर ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके बैली फैट को कम कर सकता है। तो लिंक नीचे दिए हुए हैं, एक बार खरीदिएगा ज़रूर, और प्योरिटी आप देखिएगा अभी जब आप इसे यूज़ करेंगे, तो लिंक ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स देखा, इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप मैंगो ले सकते हैं, लेकिन मैंगो को जिस तरह से मैंने बोला उसी तरह से लीजिएगा। अगर आपने कोई भी अपनी होशियारी और उसमें चलाकी जो है ऐड कर ली, तो वेट लॉस होने की जगह आपका गेन होने लगेगा। ड्रिंक मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, लेकिन इसमें कुछ चीज़ मैंने ऐड और की है, तो अगर वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो बार बार के लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।